अलैकुम। अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं ना, तो आपकी भी वही हालत हो रही होगी जो मेरी हो रही है इस टाइम पर। मतलब कि यार इतनी होप ला के बैठे हैं, इतनी उम्मीद ला के बैठे हैं कि भाई बॉयज जो है वो दो हार गए, बॉयज कम बैक करेंगे, कम बैक करेंगे, वो मेरे ख्याल से घर की तरफ कम बैक करेंगे अपने। साफ ऐसी लग रही है यार, मतलब कि इतने बुरे तरीके से तुम इंटेंट ही शो नहीं कर रहे हो क्या? घंटा मैच जीतोगे? मतलब 3-0 है, तुमने सीरीज उनके हाथ में दे दी, प्लेट में रख के, प्लेट गए, प्लेट है नहीं, यूं सजा के सर ये लें सीरीज आपके नाम, आपके घर में हम आए थे और हम जलील होकर वापस जा रहे हैं। मतलब कि यार आगे अभी PSL आ रहा है, इसमें सब बाप बन जाएंगे। वहां शाहीन आ रहा है, वो ओवर में 26-26 मारेगा। क्या नाम है उधर, वो अब्बास अफीदी आ रहा है, वो शॉट मारेंगे, वहां से मूसा खान निकलने, वहां से वो छक्के मारेंगे। बॉलर बैट्समैन बने हुए, बैट्समैन बॉलर बने हुए, सब हो रहा होगा PSL में। भाई शादाब देखना तुम, 50-50 मार रहा होगा ना। मैच विनर को देखना तुम, ना इसे 70 मारी ना इसे 60 मारी, देख लेना तुम, आराम से लोग खेल लेंगे। इनकी फॉर्म ऐसी वापस आएगी PSL में, तुम देखना क्या होगा फिर। अभी तो ये इंटरनेशनल टीम है ना, इनमें इधर इनकी हवा निकल रही है यार, क्या हो रहा है हमारे साथ, इतना स्कोर कैसे जा रहा है, उतना स्कोर कैसे जा रहा है। यार देखो हम मैच की बात करते हैं, तीसरे मैच में हुआ क्या भाई? देखो शाहीन भाई कप्तान हमारे, पहला मैच टॉस जीते बॉलिंग की, दूसरा मैच टॉस जीते बॉलिंग की। इतने में इंसान को आ जानी चाहिए अकल के भाई बॉलिंग करके हम हार रहे हैं। ऑकलैंड में तुम हारे 46 रन से, उसके अलावा हैमिल्टन में तुम हारे 21 रन से, आज का मैच तुम हार गए 45 अप्रॉक्स 46 ऐसी कुछ रन से हारे ओवल के अंदर। तो शाहीन भाई मैं आपको बोलूंगा, आप जो है वो तीनों दफा जीते तो आपके लिए ट्रॉफी, तीनों दफा क्या जीते टॉस, बात तो सही है। हाँ तो उसकी मैं ट्रॉफी लाया था खरीद कर यार अभी, तो थोड़ा सा ना निशान वगैरह यूज में ट्रॉफी है, सेकंड हैंड ट्रॉफी है ठीक है, तो देना थोड़ी सी खुली भी हो रही है, ऊपर से गायब है, तो ये बस चला काम चला लेना इससे ठीक है। तो शाहीन के लिए ट्रॉफी हम देंगे इसको, शाहीन को ये जब घर आएंगे तो हम इनके हाथ में थमाएंगे, इनको फिर घर भिजवाएंगे। तो ये ट्रॉफी उनके लिए लाया था, और ये ट्रॉफी मैं लाया था हमारे बॉलर रऊफ के लिए, जो कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। बस अच्छा इस ट्रॉफी में थोड़ी शेयरिंग कर लेना, हमारे मिडिल ऑर्डर और हमारा हारिस रऊफ जो है ना, वो थोड़ा इस ट्रॉफी में थोड़ी शेयरिंग कर लेना ठीक है, क्योंकि मेरे पास बजट इतना था नहीं, मैं दो ट्रॉफी खरीद के, तीन ट्रॉफी खरीद के ला नहीं सकता, तो मैं यही ले आया। सही है, तो चलते हैं आज के मैच के ऊपर। यार जब आप दो दफा टॉस हार गए हो, दो दफा टॉस जीत के मैच हार रहे हो बॉलिंग लेके, यू वांट बॉल फर्स्ट, यू वांट बॉल फर्स्ट, और फिर थर्ड मैच में आप टॉस जीते, तो इसमें आपको बैटिंग करनी चाहिए, फिर आपने क्या करा, यू वांट बॉल फर्स्ट। हालांकि आप चेंजेस लाए हो अपने पास, उसामा मीर नहीं है, आमिर जमाल नहीं है, अब्बास अफरीदी नहीं है, उनकी जगह शैम्पू लिया है, जमान खान लिया, नवाज। तो अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि यार हम बॉलिंग लेके हार रहे हैं, तो कुछ क्या पता हम बैटिंग करके, क्या पता हम जीत जाए, क्या पता उस वक्त प्रेशर कम हो हमारे बैट्समैन वगैरह के ऊपर, क्योंकि आप टारगेट दे रहे हो तो यू आर नॉट चेजिंग। सही, आप टारगेट चेज नहीं कर रहे होते हो, आपको क्या, आपको टारगेट देना होता है, तो उसमें इतना प्रेशर नहीं होता। क्यों न्यूजीलैंड की टीम आराम से देखो खेल रही है, कोई मसला इनको टारगेट चेज करने दे तो नहीं कर सकते लोग टारगेट चेज, बहुत मुश्किल। आज तो न्यूजीलैंड का विलियमसन भी नहीं था, उनकी अगर टीम सैफर्ड खिलाया, बैन सियर जीता, उसके बाद फर्ग्यूसन खिलाया, एडम मिलने की जगह उन्होंने मैट हेनरी खिलाया, कप्तान भी आज उनका नहीं था विलियमसन, सेंटनर इज अ कैप्टन। तो उन्होंने जब आज बैटिंग शुरू की, तो भाई मैंने तो सुबह 5 बजे मेरे तो मैं उठ गया, मैंने चलो मैच है, फजर में उठते नहीं है, इतनी मुश्किल से हम उठ रहे होते हैं, मैच के लिए हम भरपूर उठेंगे, मैच के लिए हमने बोला कुछ भी हो अलार्म लगाया, हमने 3-4 मोबाइल रखे, 3-4 अलार्म लगाए, घर वालों के सबके मोबाइल मैंने कान के बराबर में रखे, मैंने ये बजेंगे 5 बजे मैं उठूंगा मैच देखूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैंने मैच देखा, मैंने मैच स्टार्ट जब हुआ मैंने देखा भाई, बड़े अच्छे तरीके से मैच स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान वन द टॉस एलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट अगेन। तो भाई साहब ये लोग टॉस जीत गए और बॉलिंग ली इन्होंने, तब तो मैं खुश, मैं यार चलो कुछ सोच समझ के इसमें बॉलिंग ली, अब तो ये आज का मैच तो मार देंगे, कि जिस तरह की एस्थेटिक्स बन रही है ना, फखर इज ऑन फायर, 25 पे 50, साइम अयूब इज ऑन फायर, क्लासिक अयूब, उसके अलावा बाबर आजम तो कंसिस्टेंसी से खेल रहा है, उसको कुछ नहीं बोला कोई भी। सही है, उसके बाद व्हाट अ फर्स्ट ओवर ऑफ शाहीन अफरीदी, एंड मतलब बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है इधर, सब कुछ अच्छा हो रहा है, एस्थेटिक्स बहुत अच्छी बन रही है। अच्छा और मैच नहीं, वो तो नहीं जीत रहे, आप तुम्हारे ऊपर प्यार भी बोलो आप भी बोलो, मगर लानत। ये इंटरनेशनल टीम थी उधर के, फिर जब उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई ना फिन हेलन, तो यार क्या समझ नहीं आ रहा, आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है वो तो, मतलब 137 रन T20 खेलते हुए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 220.82, 62 बॉलों पर वो बंदा 137 मार के जा रहे हैं, इसमें वो 3 बॉले घुमा चुका है, तीन थी दो थी, हाँ दो थी सॉरी, दो दो बॉले घुमा चुका है वो बंदा। तो अबे भाई इतना गंदा, उफ, यहां तक कि उनका ना सैफर्ड चला, ना कॉनवे, ना वो गंजा मिचेल, ना फिलिप्स, ना चैपमैन, ना सेंटनर, ना मैट हेनरी, कोई भी नहीं चला उनका यार आज, सिर्फ ये एक बंदा 137 मार के चला गया 62 बॉल। तुम खुद सोचो, तुम अंदाजा लगाओ, देखो 120 बॉल है 20 ओवर के मैच में, 62 बॉले खेल लिया, 137 इसने स्कोर कर दिया। सही है, पीछे कितनी बॉलें बची, 58 बॉलें। सही है, उन्होंने कोई यूज ही नहीं किया 58 बॉल में, 74 रन बनाए, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं की, मतलब कि उनसे 4 बॉल कम खेल के 60 रन कम बना के जा रहे हैं अदर प्लेयर्स जो है, मतलब कि वो अकेला बंदा तुम्हें उठा के कहां से कहां लेकर चला गया, वो स्टार्टिंग ओपनिंग से आया और वो कहां जाके आउट हुआ, मैंने बोल दिया भाई मैच खत्म, मैं नमाज में दुआ कर रहा हूँ यार अल्लाह मैच जिता दे, पाकिस्तान को मैच जिता दे, क्योंकि मैच तो बढ़ गया भाई। लेकिन इनकी तो हालत ऐसी भाई, मैं एक आधा सो रहा हूँ आधा उठा हुआ हूँ मैच देख रहा हूँ, उसके छक्के ऐसे नजर आ रहे थे, बॉल कहाँ जा रहा है, एक तो नवाज को उसने दिया स्ट्रेट का मिला के 107 मीटर का पेड़ के अंदर, उफ। उसके बाद एक रऊफ को दिया, उसने रऊफ को दिया, शाहीन को याद नहीं है, लेग का जो उठा के मारा था उसने पहला छक्का, जिसमें बॉल लाए थे वो ब्रीफ केस में रख के, दो दफा बॉलें चेंज हुई आज। तो यार कसम से बहुत गंदा कूटा है उन्होंने फिन हेलन ने पाकिस्तानी टीम को, मतलब कि अच्छा एक एक ट्रॉफी जो है ना, मैं रऊफ के लिए इसलिए लाया हूँ कि उसने फास्टेस्ट 50 बनाई है ना आज बॉलिंग में, 4 ओवर में भाई साहब ने 60 रन खाए हैं,
अच्छा एक ओवर में उसने रंगीन कर दिया था फिनाले ने उसको, किस तरह से भाई, छक्का चौका चौका वाइड वाइड फिर छक्का फिर छक्का फिर सिंगल। मतलब कि भाई साहब इतना कुटे हैं आज फिनाइलिन से कि इनकी कोई हद नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि मैथ्यू वेट को ओपनर भेजो, अभी फिनाइलिन को अगर ड्राफ्ट में ले लिया पीएसएल नेक्स्ट ईयर तो ये बोलेंगे ओपनर भेजो, फिर फिनाइलिन की तरफ से जवाब आएगा बेटा मैं तो हूँ ही ओपनर। क्या कर लेंगे, शाहीन कुछ भी नहीं कर रहा। अब लोग आ जाएंगे भाई शाहीन ने पहली बॉल पे आउट किया था, तो मैं भी अगर आमिर की एस्थेटिक्स लगा दूं इधर कि आमिर ने बोल्ड मार दिया फिनाइल को किसी लीग में, तो हमारे शाहीन के फैन आएंगे कि नहीं हमारे अब्बू ने भी तो इसको LBW किया था ना, हमारे अब्बू ने भी इसको T20 में चौका खाने का LBW किया था। अबे तो उस चौके का बदला देख कैसे निकाल रहा है, छपड़े मार रहा है इतने लंबे लंबे उसके, तुम छक्के देखो मतलब कैसे जा रहे होते हैं, बॉल गायब नजर ही नहीं आ रहा, इतने लंबे लंबे फेंक रहा होता है वो शाहीन को, एक एक हाथ से उसके छप्पे देखो ऐसे मार रहा होता है वो, यार क्लासिक। अच्छा इस मैच में भी ना अभी तुम देखना इसमें एस्थेटिक्स बनेंगी, रिवेंज फ्रॉम फखर। अच्छा फखर ने आते जैसे अटैक किया था सोडी को, रिवेंज भी ले लिया भाई फखर ने, ये कर दिया सिलावा साया में, यूब ने दो चौके मारे, रिजवान के दो ऑफ के छक्के होते वो लेग पे लेके जो भाई साहब बल्ला घूम गए, ऑफ की बॉल है, ऑफ की बॉल है भाई, ऑफ पे खेलनी नहीं, यहाँ से भी आ गए लेग पे उठाना उन्होंने, खैर कर लो भाई क्या है। उसके अलावा चचा से खेला नहीं आ रहा हमारे, चचा रन आउट हो रहे हैं, आजम खान का वो छक्का भी एस्थेटिक बनी, ये आगे बढ़ के छह मारा मैट हेनरी को, अच्छा था वो छह बहुत अच्छा था, लेकिन काम किस लिए आया, किसी काम नहीं आया। उनका एक बंदा 137 मार गया, शुक्र करो कि कोई और चला नहीं उनकी साइड से, कोई भी नहीं चला उनकी साइड से, वरना टारगेट जाना 260 270 चला जाता है टारगेट आराम से, अगर कोई उनका बीच में मिचेल चल जाता, फिलिप्स चला, कोई एक भी चल जाता ना उनका, तो ये टारगेट तकरीबन तकरीबन 250 270 260 जाना था टारगेट आराम से, बिल्कुल जाता है बिल्कुल कंफर्टेबल ये लोग लेकर जाते हैं इधर तक। और फिर पाकिस्तानी टीम बोलती है कि वी कांट चेज इट, यार देखो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है लोग इंटेंट शो नहीं कर रहे हैं, इनकी अप्रोच इतनी नहीं हो रही, जहां फखर आउट होता है वहां पूरी टीम बैठ जाती है, अजीब भाई। साय भाई ऊपर रिजवान आ रहा है, रिजवान का नंबर चेंज कभी भी नहीं होना है इधर से, मुझे पता है ये रिजवान का नंबर चेंज किया वहां से फखर ऊपर लाएंगे तो रिजवान भाई साहब नीचे नहीं खेल सकते, ऊपर भी नहीं खेले आ रहा वैसे तो उनसे, वो नीचे भी नहीं खेल सकता, आप इधर रिस्क लेकर देखो क्या पता कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ हो जाए ना, अच्छा हो सकता है हो जाए भाई, रिस्क लेने वाली बात है ना, आप 10 दफा ले चुके तो इस पर भी एक दफा लेकर देख लो रिस्क भाई, फखर को ऊपर कर दो या बाबर को ऊपर कर दो, क्या पता कोई अच्छा नतीजा सामने आ जाए, कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए आपके सामने, नहीं वही साय मयूब आएंगे रिजवान आएंगे पावर प्ले खेलेंगे, साय मयूब आउट है अगर रिजवान का टॉपेज लग जाएगा, रिजवान जिस तरह भी आउट हो रहा है हो जाएगा, आज किस तरह आउट हुआ रिजवान, आज रिजवान तो याद भी नहीं मुझे किस तरह आउट हुआ है, मैं भूल गया, खैर तो रिजवान भी आउट हो गया, फखर साय मयूब भी आउट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा किंग और फखर जमान, सही है। बाबर ने आदिका हिटिंग शुरू की, मुझे कसम से बहुत अच्छा लगा कि बाबर ने जो आदिका के साथ हिटिंग शुरू की थी ना, आदिका चौका मारा उसने, खेल रहा आराम से खेल रहा है, मेरा बहुत ज्यादा बहुत अच्छा खेल रहा है, कंसिस्टेंट खेल रहा है, मतलब पहले मैच में उसने 57 बनाया, दूसरे मैच 66 बनाया, आई थिंक आज के मैच में 58 कुछ बनाया उसने, मतलब कंसिस्टेंसी से खेल रहा है वो बंदा, उसका फखर की बात आ जाती, पहले मैच में फ्लॉप हो गया, दूसरा मैच 25 पे 50 इसके एस्थेटिक्स बन रही है जिसकी वजह से नजर लग गई फखर को, आज के मैच में फखर आया अटैकिंग करना शुरू की, सोडी को पहली बॉल पर उसने छप्पा मारा चौका मारा, फिर सेंटनर को चौका मारा, फिर उनकी स्ट्रेटेजी देखो तुम, उनको पता था कि फखर खड़ा हुआ है तो सोडी को पहले सेंटनर को मारेगा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने लगा दिया फर्ग्यूसन, उन्होंने फर्ग्यूसन लगाया, तो फिर वहां से उसने खतरनाक बॉलिंग करके उसका टॉपेज निकलवाया और आउट हो गया फखर बस। फिर जब फखर आउट हुआ ना तो मेरी जो 3% की होप थी कि पाकिस्तान जीत चुका वो 0.3 पर चली गई थी, बिल्कुल मेरी CGPA की तरह। नाइस तो वहां तक चली गई, मैंने यार देखो अब क्या पता, मैं भी वही फैन हूँ, क्या पता पाकिस्तान 500 मार दे इंग्लैंड को और हम इंग्लैंड को 100 रन पे आउट कर दे, मैं भी वही वाला बंदा हूँ, तो मैं सोच रहा था क्या पता बाबर ओवर में 2 ओवर में 2 दफा 6 पे 36 मार दे, तो मैं ये सोच के बैठा हुआ, लेकिन ये तो मेरी सोच थी, और वहां सामने पाकिस्तान की टीम थी और अपोनेंट में उनके न्यूजीलैंड की टीम थी, तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो बाबर खेल रहा था, बाबर ने अपना कोटा पूरा किया, मतलब कि 60 60 रन उसने बनाया बाबर ने, वो अपना काम तो पूरा कर गया, अकेला वही थोड़ी खड़ा होगा पूरी इनिंग्स को संभालने के लिए, वो थोड़ी खड़ा होगा, वो तो अपना काम करने आया भाई, अगर आपको मैच फिनिश करवाना है तो आपको सपोर्ट देनी होगी साइड में। अब बहुत से लोग आएंगे कि बाबर ने अच्छा नहीं खेला, बाबर को मैच फिनिश करना था, ये करना था, भाई देखो मैच फिनिश की बात आती है, कोहली का जो क्या बोलते हैं, कोहली की बात अगर आप करते हो ना तो उसके साथ पांड्या मौजूद होता है, उसके साथ अगर आप मैक्सवेल की बात करते हो कि उसने फुटवर्क दिखाया नहीं उसने अपना, उसने वैसे के वैसे अकेले मैच जितवा दिए, 200 रन बना दिए, अगर वो कमिंस आउट हो जाता जो 60 बॉलों पर 7 रन बना के खड़ा हुआ था, अगर वो वहां से आउट हो जाता तो टीम कुछ भी नहीं थी यार, हार जाते वो लोग, लेकिन सपोर्ट जरूरी होती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ फखर और बाबर की पार्टनरशिप चली है, फखर की अनफॉर्चुनेटली विकेट गिरी, नीचे से चचा आए वो रन आउट हो गए, वहां से आजम आया वो कैच आउट हो गया, वहां से मैच भी ना रहा है वो भी कुछ नहीं कर रहा, फिर बाबर बोला मैं क्या करूं मैं भी जा रहा हूँ, बैटिंग लेकर देखो पहले, क्या पता उनको चेस करने मुश्किल हो सकता है ना, सभी चेस करने मुश्किल हो, नहीं आप तो 3 दफा जीतोगे, 3 दफा बॉलिंग करेंगे, फिर जब बॉलिंग करके इंशाल्लाह कभी जीत जाओगे तो फिर एस्थेटिक्स बन रही होंगी कि रिवेंज ले लिया हमारे प्लेयर्स ने, बॉलिंग लेके इनको बैटिंग में हरा दिया, सही है, इनको चेस करवा दी, मतलब चेस हो गया हमसे पूरा टारगेट, हमने पहले बॉलिंग की इन्होंने 250 मारा और 250 हमने आराम से चेस कर लिया, ये इनकी एस्थेटिक्स बन रही होंगी। तो खैर आज का मैच तो यार मेरी नींद भी खराब हुई, मेरी आज छुट्टी थी तो मेरी छुट्टी भी खराब हो गई, मेरी नींद भी खराब हो गई, मेरा मूड भी खराब हो गया और ये सारा दिमाग खराब हो गया।
ये मैं ट्रॉफी को क्या करूँ, ये भाई ना इनशाला इनको दूंगा मैं यार, ये इनके मैंने रखी हुई वाली ट्रॉफीज, तो इनशाला इनशाला मैंने देनी है। और रिजवान भाई आप शाहीन के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि आप वाइस कप्तान हो ना, तो आप अपनी बैटिंग के ऊपर ही ले जाना, जो आप लेग के लाठे मारते हो ना, लेग के छक्के भी दिखा दो इनको, उसके लिए आप ये ले जाओ बस। क्या बोले आप, और 3-0 से तुम लोग हार चुके हो, आप वाइट वॉश नहीं होना खुदा के वास्ते, वाइट वॉश हो जाओगे तो फिर बहुत बड़ी जलालत हो जाएगी। मतलब कि यार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय फिनलेन यार, बहुत अच्छा उसने खेला, मैं साफ सीधा बोलूंगा कि बहुत खूबसूरत। 16 छक्के बहुत मायने रखते हैं, 16 छक्के एक इनिंग में मारना, मॉर्गन के 17 है ओडीआई में अगेंस्ट अफगानिस्तान, इसके T20 में 16 छक्के यार, एक ओवर के, ओ एक ओवर बोल रहा हूँ, एक इनिंग में जिसमें 5 चौके और 16 छक्के, 16 6 96, 96 96 रन तो ऐसे बना लिए इसने। उसके बाद 20 रन 96, 116 रन तो इसने बाउंड्रीज के मारे पीछे, 29 31 21 रन, 21 रन ये भाग भाग के इसने करे अपने, 21 रन और 116 रन इसने बाउंड्रीज के खेले भाई। बहुत टाइट यार फिनलैंड, वेल प्लेड, बहुत अच्छा आपने खेला। और पाकिस्तानी टीम को ये बोलूंगा कि डोंट ट्रॉल बाबर अगेन, ठीक है, बाबर अपना काम करके जा रहा है, फखर भी अच्छा खेल रहा है, उनको पता है कि सोडी कुटेगा बाप फखर जमान से, उन्होंने फॉरन फर्ग्यूसन लगाया। जब इस तरह आपको भी बताना चाहिए कि यार हमारे स्पिनर अच्छा नहीं कर, एक पार्ट टाइमर लाकर देख लो, क्या पता अच्छा कर ले, चच्चा को आप देकर देखो क्या पता अच्छी बॉलिंग कर ले, वर्ल्ड कप में सारे स्पिनर से बेहतरीन बॉलिंग चच्चा ने करी है, क्या पता आप देकर तो देखो उसको बॉलिंग। जब फास्ट बॉलर कूट रहे तो आप स्पिनर लगाओ, स्पिनर कूट रहे तो फास्ट बॉलर लगाओ, फास्ट बॉलर कूट रहा है सेम लेंथ में शाइन बॉलिंग करता रहता है। फिनलैंड ने जितने छक्के मारे उसको नीचे से उठा उठा के मारे भाई, आप एक तो बाउंसर मार, बाउंसर अलाउ होती है ना, एक तो अलाउ होती है, एक आप इतनी रखो कि बाउंस अलाउ मतलब हाइट अलाउ ना हो, यहाँ पे उसके रखो इधर गले तक नहीं होगी हाइट अलाउ, कंधे से ऊपर की होती है ना, यहाँ तक आप रखो, यहाँ तक रख दो, फिर ऑफ के साइड पर रखो, बॉल चेंज करो, दो बॉल कराओ सेम, फिर एक चेंज कर दो, फिर बॉल कराओ, फिर चेंज। शाहीन मैंने तो सेम लेंथ पे रखनी है, वही मैथ्यू वेट वाली बात, 3 पे 3 छक्के सेम लेंथ पे खाए थे शाहीन ने से, फिनलैंड से भी 3 पे 3 जो अभी बाउंड्रीज खाई है दूसरे मैच के अंदर, चौके जो खाए सेम लेंथ पे खाए सारे के सारे, तो इस तरह थोड़ी होगी यार। रऊफ के बैत और समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए। तो खैर चलते हैं यार अभी अगले मैच का इंतजार, अब तो रहा नहीं क्योंकि हार चुके हैं हम KFC T20 सीरीज न्यूजीलैंड अगेंस्ट पाकिस्तान। सही, तो अपना ख्याल रखना, अगर कुछ चीज़ भूल रहा हूँ तो याद दिला देना, और अगर कोई गलती से कोई गलत चीज़ निकल गई तो आई एम सो सॉरी, ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।